हाँ प्रणाम। और यहाँ एक प्रश्न आया हुआ है, क्योंकि धर्म करने के लिए बुढ़ापे में भी तो कर सकते हैं, जवानी में तो धन कमाने के लिए होता है, तो जवानी में धर्म करना क्या जरूरी है? युवावस्था में ऐसे लिखा हुआ है। मैं उनको ये जवाब देना चाहूँगा, ठीक है, उनका प्रश्न उन्होंने अपने विवेक के हिसाब से कहा। जैसे युवावस्था में कमाया हुआ धन बुढ़ापे में काम आता है, सुबह से लेकर शाम तक अब मेहनत करके कमाते हैं जो धन, बुढ़ापे में काम आता है। ऐसे ही युवावस्था में कमाया हुआ धर्म भी बुढ़ापे में काम आता है। धर्म करने के लिए अवस्था देखने की जरूरत नहीं है कि हम बुढ़ापे में करेंगे, और जब युवावस्था में हम लोगों ने अभ्यास ही नहीं किया तो बुढ़ापे में कैसे हम धर्म कर पाएंगे? फिर अभ्यास करना पड़ता है ना। जैसे हम लोग छोटे थे तो ABCD क ख ग घ हम लोग स्कूल में सीखते थे, अब बड़े हो गए, 10वीं में गए, 11वीं में, 12वीं में, या कॉलेज कर रहे हैं, तो हमें वो क ख करके अलग अलग पढ़ना नहीं पड़ता। हमने जो रटा, जो आदत डाली, अब वो थोड़े वर्ष के बाद में कि हम उसको थोड़ा अविरल रूप से हम पढ़ने लग गए। उसी प्रकार से युवावस्था में कमाया हुआ धर्म भी बुढ़ापे में काम आता है। धन कमाया था, घर बनाया, जोड़ा, गाड़ी बंगला, सब बुढ़ापे में काम आया। शांति से सोएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। ऐसे ही युवावस्था में कमाया हुआ धर्म तीर्थ व्रत जाकर के किया हुआ, और हमें बुढ़ापे में भी बड़ी शांति देने वाली होती है। और इसीलिए धर्म कमाइए, उसके लिए कोई उम्र देखने की जरूरत नहीं है, मुझे याद है। और देखिए ना, जो आज दीपावली का समय चल रहा है, 5-5 वर्ष की गारंटी लेकर के कोई फ्रिज लेके आते हैं, कोई टीवी लेके आते हैं, कोई वॉशिंग मशीन लेकर के आते हैं, लेकिन जो लेकर के आते घर तक पहुंचते पहुंचते सामान पहुंच जाएगा, आदमी पहुंचता ही नहीं ज़िंदगी भर के लिए, वो तो चला जाता है। तो बताइए, समय का कोई किसी को भरोसा है क्या? कब किस वक्त सांस छूट जाए। इसलिए धर्म के लिए बुढ़ापा का इंतज़ार करना, और संसारिक सुख भोग के लिए और अभी मेहनत करना, ये अज्ञानता होगी। इसीलिए मेहनत आप संसार के संपत्ति कमाने के लिए भी करिए, तो मेहनत आध्यात्म का धन कमाने के लिए भी करिए। दोनों तरफ से अगर मेहनत करेंगे तो जीवन सफल हो जाएगा, आनंद आ जाएगा एकदम। उसके लिए बुढ़ापा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं। आप भले घूमने के लिए जाइए ना, लेकिन तीर्थों में जाइए, बद्री जाइए, केदार जाइए, गंगोत्री जाइए, जमुनोत्री जाइए, नौतनपुरी धाम जाइए, मंगलपुरी धाम जाइए, पद्मावतीपुरी धाम जाइए, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम। घूमने में घूमना हो जाएगा, तीर्थ में तीर्थ हो जाएगा, लेकिन थोड़ा संयम से रहें, थोड़े से विचार और विवेक से अगर तीर्थों में जाएंगे, दर्शन हो जाएगा, तो जीवन सफल हो जाएगा। उसके लिए बुढ़ापे के इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। आपका उत्तर यही है।